दोस्तों, आप सब लोग यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर ऐसे ही अवतार नहीं लेते थे। वह अवश्य ही देवताओं की किसी बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित होते थे। इसलिए हम एक नजर उस समस्या पर डालेंगे जिसके कारण भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, यह तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि में जीवों का निर्माण करने के लिए अपने मन की शक्ति से मानस पुत्र उत्पन्न किए थे। इन मानस पुत्रों और प्रजापतियों के बारे में हम आपको अपने अगले एपिसोडों में डिटेल में बताएंगे। पुलत्स्य नाम के ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र थे जो 6 प्रजापतियों में चौथे प्रजापति थे। प्रजापति पुलत्स्य के भी एक मानस पुत्र थे जिनका नाम था महर्षि मिश्रवा। वो भी प्रजापति के समान ही थे और इन महर्षि मिश्रवा के एक पुत्र था जिसको आप सभी लोग जानते हैं। उसका नाम था रावण। रावण बड़ा ही बलवान और तपस्वी था। उसने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वरदान ले लिया था कि उसे कोई भी देवता, यक्ष, गंधर्व और नाग ना मार सके। दोस्तों, ब्रह्मा जी से यह वरदान पाने के बाद रावण अहंकारी हो गया था। देवता उसे मार नहीं सकते थे और मनुष्यों को वह कुछ समझता नहीं था, इसीलिए वह अपने बल और पराक्रम से सभी को प्रताड़ित किया करता था और उनकी पत्नियों और बेटियों का हरण करके ले जाया करता था। इसी बात से परेशान होकर सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग परमपिता ब्रह्मा के पास विनती करने के लिए गए कि हे प्रभु, किसी भी तरह रावण का वध कर दो। तब परमपिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, हमेशा की तरह यह भार आपको ही उठाना पड़ेगा। आप पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लीजिए और इस दुष्ट रावण का संहार कीजिए। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की यह विनती स्वीकार कर ली, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर जब श्री राम का अवतार लेंगे, तब भगवान श्री राम के सहयोग के लिए तुम सभी भी अपने अपने पुत्रों की उत्पत्ति करना, जो शूरवीर, बलवान और बुद्धिमान होने के साथ साथ इच्छा स्वरूप रूप धारण करने वाले और माया को जानने वाले हों। तभी श्री राम इस बलशाली रावण और इसके मायावी राक्षसों का संहार कर पाएंगे। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री राम की पत्नी देवी सीता के रूप में देवी लक्ष्मी ने ही जन्म लिया था और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में शेषनाग जी ने अवतार लिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि भरत के रूप में भगवान विष्णु के पंचजन्य नाम के शंख ने अवतार लिया था और शत्रुघ्न के रूप में उनके सुदर्शन चक्र ने अवतार लिया था। दोस्तों, भगवान श्री राम के जन्म से हजारों वर्ष पहले ही परमपिता ब्रह्मा जी जब जभाई ले रहे थे, यानी योनिंग कर रहे थे, तब उनके मुंह से जामवंत नाम के एक रीच का जन्म हुआ था। दोस्तों, यह ब्रह्मा पुत्र जामवंत भगवान श्री राम की वानर सेना में सबसे ज्यादा उम्र के योद्धा थे। इनके अलावा भगवान सूर्यदेव ने सुग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया था जो भगवान श्री राम के मित्र बने। वानर राज सुग्रीव के बड़े भाई बाली देवराज इंद्र के पुत्र थे, परंतु भगवान श्री राम ने सुग्रीव के कारण बाली का वध कर दिया था। दोस्तों, इंद्र पुत्र बाली रावण से भी बड़ा बलशाली और पराक्रमी था। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने तार नाम के महाकाय वानर को
उत्पन्न किया था। कुबेर का पुत्र गंधमादन नाम का वीर वानर था। भगवान विश्वकर्मा ने नल नाम के वानर को जन्म दिया था। वहीं नील नाम का वानर अग्निदेव का पुत्र था। अश्विनी कुमारों ने मेंद्र और द्विध नाम के दो वानरों को जन्म दिया था। वरुण देव का पुत्र सुषेण नाम का वानर था। महाबली प्रजन्य ने सर्व अंग नाम के वानर को जन्म दिया था। श्री राम के सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी वायुदेव के पुत्र थे। इसी प्रकार कई यक्षों, नागों और किन्नरों ने कई पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन सभी वानर तथा रीच थे।